एवरीवन, मेरा नाम है स्वाति और आज हम सब लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एमएस वर्ड के यूज से हम क्या क्या चीज़ें और किस किस तरीके से फॉर्मेट से हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इसकी हेल्प से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो सबसे पहला मैंने लिखा है इसमें इंग्लिश हिंदी टाइपिंग हम इसमें कर सकते हैं, ई बुक्स बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, लेटर एप्लीकेशन क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे बना सकते हैं, टाइम टेबल हम अपना बना सकते हैं, यहाँ पे टेबल बना सकते हैं, रिज्यूमे बना सकते हैं, आईडी बिजनेस कार्ड बना सकते हैं, लेटर हेड बना सकते हैं, सर्टिफिकेट बना सकते हैं, सैलरी स्लिप बना सकते, रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं हम एमएस वर्ड के अंदर, मेल मर्ज जो कि मैंने बताया था, मेल मर्ज ऑप्शन वर्क बताया था जिसमें कि हम इनविटेशन कार्ड बनाते हैं और जितनी भी लिस्ट को हम तैयार करते हैं हम उन लोगों को अपना जो लेटर है वो सेंड कर सकते हैं। तो मेल मर्ज में मेनली हम इन्विटेशन कार्ड ही बनाने का यूज करते हैं एंड इसमें हम अपना बिल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम इसी वीडियो के साथ। आज हम बनाने वाले हैं एक कार्ड, एक कंप्यूटर सेंटर का कार्ड जो कि एडिट करेंगे हम अपने इंसर्ट के सारे ऑप्शन से जो भी हमने पढ़े थे अब तक, जो भी हमने ऑप्शन अपने एमएस वर्ड में पढ़े हैं उन्हीं की मदद से हम आज तैयार करने वाले हैं एक कंप्यूटर इनविटेशन कार्ड। जो भी ऑप्शन हम अपने एमएस वर्ड में पढ़े थे उन्हीं की हेल्प से आज हम बनाने वाले हैं एक कार्ड। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, पेज लेआउट पे जाएंगे। हमने यहाँ पे बॉर्डर सेट करना है अपना, कोई सा भी बॉर्डर हम ले लेंगे जो हमें अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम कलर सेट करते हैं, तो कुछ इस तरीके से मैंने इसका कलर ले लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, ओके कर देना है। तो मैंने यहाँ पे कलर ले लिया है, पेज भी ले लिया है, अपना कलर भी ले लिया है। मुझे अपने पेज के साइज को लैंडस्केप में करना है, हम लैंडस्केप में कर लेंगे अपने पेज के साइज को। उसके बाद आते हैं हम अपने इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे। इंसर्ट में मैंने बताया था हम लोगों ने ज्यादातर चीजें इंसर्ट के अंदर ही पड़ी हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने ऑप्शन शेप से। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने शेप्स वाले ऑप्शन पे। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हम ये वाली शेप ले लेंगे एंड कुछ इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद मैं पहले इस शेप को रोटेट करूंगी कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हम इसको रोटेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। मैंने रोटेट कर दिया है कि चौड़ाई आपको बढ़ानी है तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगी, शेप को उठा के यहाँ पे रख दूंगी। अब हम क्या करेंगे, मुझे इसी यही शेप सेम शेप चाहिए मुझे। तो हम क्या करेंगे, पहले उसकी कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी से हम शेप की कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी से हम इस शेप को पेस्ट कर लेंगे। अब हम इसको टिल्ट करेंगे, इस तरीके से रोटेट करेंगे। ग्रीन वाला जो एरो है वो रोटेट वाला ऑप्शन है, तो हम रोटेट कर लेंगे। अब हम नीचे आएंगे यहाँ पे अपने पेज पे कुछ इस तरीके से, इस शेप को नीचे ले आएंगे ऐसे आके एंड इस शेप को मैंने यहाँ पे लगा दिया कुछ इस तरीके से। और हमने यहाँ पे कॉर्नर में इसको लगा दिया कुछ इस तरीके से, मैंने शेप्स लगा दी। हम लोगों ने क्या ऑप्शन पढ़ा था, शेप में कलर कहाँ से फिल होते हैं। हम फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड यहाँ से हम एक कलर ले लेते हैं। कौन सा कलर लेते हैं, हम यहाँ पे जाके शेप फिल में कलर ले लेते हैं। हम ये वाला कलर लेते हैं, ऑरेंज वाला। अब हम यहाँ नीचे आएंगे, सेम यहाँ पे भी जाके हमें कलर फिल करना है। अब मैं यहाँ पे आऊंगी और इस शेप में भी यही कलर फिल कर दूंगी सेम। उसके बाद मुझे क्या करना है, अगर मुझे आउटलाइन करनी है इसमें तो मैं आउटलाइन का वेट बढ़ा दूंगी कुछ इस तरीके से। हम यहाँ आउटलाइन दे देंगे इसमें, यहाँ पे जाएंगे शेप आउटलाइन लिखा है, मैं सेम उस पे जाऊंगी एंड आउटलाइन उसकी साइज रखनी है, मैं ऐसे साइज अरेंज कर लूंगी। अब मुझे फिर इसकी कॉपी चाहिए, अब तो मैं कंट्रोल सी करूंगी कॉपी करने के लिए एंड कंट्रोल वी करके हम यहाँ पे वही शेप दोबारा से पेस्ट कर लेंगे। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस शेप को रोटेट करना है। हम इस कॉर्नर में भी लगाएंगे अब ये। मैं इसको यहाँ पे जाके कुछ इस तरीके से अरेंज कर दूंगी सेम ऐसे। अब हम नीचे आएंगे, इसकी कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से कॉपी एंड कंट्रोल वी से। कंट्रोल वी से हम क्या करते हैं, कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर लेते हैं सेम। अब यहाँ पे आएंगे, ये शेप हमने उठा के यहाँ ले ली, सेम हमें उस शेप के साथ भी करना है, रोटेट करना है इसको।
मैंने इसको रोटेट कर लेना है, उसको सीधे कर देना है एकदम इस तरीके से। अब हम नीचे आएंगे एंड शेप को उठा के मैं यहाँ पे इस कॉर्नर में रख दूंगी जैसे मैंने उसको रखा था। तो कुछ इस तरीके से मैंने बॉर्डर बना लिए इसके। फिर उसके बाद आते हैं हम अपने क्लिप आर्ट वाले ऑप्शन पे। क्लिप आर्ट वाले ऑप्शन पे हमें क्या मिलती है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लिप आर्ट वाले ऑप्शन पे हमें क्या मिलती है, पिक्चर्स मिलती है, जो हम सर्च करते हैं हमें वो मिलती है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम कंप्यूटर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, यहाँ पे हम कंप्यूटर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे कंप्यूटर ही सर्च करेंगे, कंप्यूटर लिख दिया हमने एंड गो कर देंगे। तो हमारे पास जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड इमेज होंगी वो हमें यहाँ पे दिख रही हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारे पास जो है फॉर्मेट में ये सारे ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पिक्चर को सर्कल में कर देंगे कुछ इस तरीके से। पहले हम इस पिक्चर को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब वो आ गई है अपनी सही जगह पे और इस पोजीशन को इसको यहाँ पे रख देते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे बॉर्डर देना है तो मैं यहाँ पे कहाँ पे जाना था हमें, पे जाएंगे पिक्चर बॉर्डर पे, आउटलाइन मुझे देनी है तो मैं यहाँ से आउटलाइन कर सकती हूँ ब्लैक। यहाँ हम बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, हम यहाँ से बॉर्डर का वेट हम यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर मुझे किस कलर में चाहिए मैं यहाँ से अरेंज कर सकती हूँ। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें टैब से जिस तरीके से हमें अपने डॉक्यूमेंट पे आना है, उसके बाद हमें क्या करना है, अपने सेंटर का नाम देना है। हम क्या यूज करेंगे उसमें, वर्ड आर्ट को। तो वर्ड आर्ट का यूज क्या होता है, हमें इसमें कैटेगरी मिलती है वर्ड्स की, तो हम यहाँ से एडिटिंग करके वर्ड्स को निकाल सकते हैं। तो मैंने ये वाला ले लिया है, जैसे कि इसको हटा दूंगी। उसके बाद मैं लिखूंगी इसमें ICSM, कैपिटल कर देते हैं ICSM। यहाँ से मुझे बोल्ड करना है तो मैं बोल्ड कर दूंगी, इटैलिक करना है तो इटैलिक कर दूंगी, आपको नहीं करना है तो बंद कर सकते हैं आप वो ऑप्शन को। उसके बाद हम ओके करेंगे, कुछ इस तरीके से जो हमारा टेक्स्ट है वो हमें यहाँ पे लिखा दिखाई देगा। वर्ड आर्ट से हम लेंगे, वर्ड आर्ट पे हम कोई सा भी सेलेक्ट करेंगे और हम लिख देंगे ICSM। तो ICSM हमने लिख दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे साइज भी डिसाइड कर सकते हैं, हमें साइज बड़ा लेना है तो हम साइज बड़ा भी कर सकते हैं एंड कुछ इस तरीके से। हमने ओके कर दिया। सबसे पहले हमें टेक्स्ट को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना होता है, फिर हम यहाँ पे ले आएंगे कुछ इस तरीके से। अब मैं इसमें क्या करूंगी, जैसे मुझे बॉर्डर चाहिए तो मैं यहाँ पे जाऊंगी वेट पे और मैं बॉर्डर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं हम। तो कुछ इस तरीके से मैंने बॉर्डर दे दिया है और मैंने ऐसे लिख दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसमें लिखेंगे, अब मैं इसमें कार्ड में अपना, पहले हम इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे मैं इसकी फुल फॉर्म लिखूंगी। हम कहाँ पे आएंगे, अपने वर्ड आर्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे एंड यहाँ से फिर मुझे कोई फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करनी है तो मैं कर सकती हूँ, अदरवाइज जो मैंने लिए मैं यही वाली सेलेक्ट करके यहाँ से ले सकती हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हटा के तो अब हम यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देंगे इसकी, इंटरनेशनल ने नाम लिख दिया है अपना पूरा। उसके बाद हम यहाँ से साइज डिसाइड कर लेंगे, बड़ा करना है हमें छोटा लिखना है, तो कुछ इस तरीके से हमने साइज डिसाइड कर ली है। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया है टेक्स्ट रैपिंग पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं। हर जो भी हम वर्ड आर्ट से या ड्रॉइंग से या क्लिप आर्ट से जो भी हम इमेज लेंगे, सबसे पहले हम उसको ऐसी सेलेक्ट करके और वो करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे कुछ इस तरीके से, मैंने यहाँ पे डिजाइन ले लिया है आउटलाइन का। हम वेट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसका, तो हम इसको यहाँ पे उठा के यहाँ पे ले आते हैं और इसको कुछ इस तरीके से, पहले हम इसको छोटा कर लेते हैं। अब हम अपने एरो से कुछ इस तरीके से हम इसको सेटल कर सकते हैं।
हम इसकी हेल्प से एक एक चीज को अच्छे से हम दिखा सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। अब हम अपने फॉर्मेट पे जाएंगे, अगर मुझे इसका साइज बढ़ाना घटाना है तो हम इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, ये बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। इसकी चौड़ाई यहाँ से बढ़ाएंगे, फॉर्मेट पे जाके कम करना होगा तो हम वैसे उसके नीचे वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये लिख दिया है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे लिखने, हम लिखेंगे खुद से। अब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं हमने ये लिख दिया है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड इसको थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देंगे यहाँ से और इसको थोड़ा सा बीच में ले आएंगे कुछ इस तरीके से। इस वाले ऑप्शन को बंद कर देते हैं, अब इसका तो यूज हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी फॉन्ट स्टाइल को पहले बोल्ड करते हैं हम, उसके बाद हम सिर्फ ऑफ को चेंज करते हैं। इसमें थोड़ा सा अच्छा लगता है, फॉन्ट स्टाइल बीच में चेंज होगी तो अच्छा लगेगा कुछ इस तरीके से। तो हमने कुछ इस तरीके से इसकी जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज कर दी है। तो अब यहाँ पे हमने लिख दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे एंड फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लिखना नेम। तो नेम लिखते हैं हम, जिस तरीके से हमने नेम लिख लिया है। हम इसकी भी फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे एंड अपने फॉन्ट स्टाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे। हम इधर की फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे अंदर जाके। तो कुछ इस तरीके से हम इसको फॉन्ट स्टाइल सेट करके एंड यहाँ पे जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने नेम दे दिया है। हमें इसको हाईलाइट करना है तो हम हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन करना है तो हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं नीचे पेज के पार्ट में। फिर अब हमें क्या करना है, अब हम इस पे एक लोगो बनाएंगे छोटा सा। सबसे पहले हम एंटर प्रेस करेंगे, पहले लिख देते हैं हम, इंसर्ट पे जाएंगे वर्ड आर्ट में। अब हम लिखते हैं इस कलर में, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो लिखते हैं हम इसमें अपना डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया है। क्या करेंगे, ओके कर देंगे डायरेक्ट, तो हमारे पास जो हमने लिखा है वो आ गया है डायरेक्ट। अब हम इस पे क्या करेंगे, चाहिए हमें, अब हम इस पे क्या करेंगे, इस पे हम बॉर्डर देंगे। तो हमने बॉर्डर यहाँ से सेट करना है अपना, हमें पता ही है। अब हम यहाँ से कलर, हमें व्हाइट आ रहा है, इस पे हमें ब्लैक कलर चाहिए। हम इस तरीके से ब्लैक कलर पे क्लिक करेंगे तो हमें ब्लैक कलर मिल जाएगा। पहले हमें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना पड़ेगा अगर इसको मूवमेंट देनी है तो कुछ इस तरीके से। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से फैला लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो कुछ इस तरीके से हम अपने कार्ड को बनाते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा लोगो बना के दिखाते हैं आपको कि हम इसकी हेल्प से लोगो कैसे बनाते हैं। अब जैसे कि हमें लोगो बनाना है, तो अगर हमें लोगो बनाना है तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ये जो हमारा शेप्स है इसमें अलग अलग तरीके की शेप्स हैं हमारे पास ऑलरेडी। हम क्या करेंगे, इसमें से एक शेप सेलेक्ट करेंगे। कुछ इस तरीके से मैंने ये वाली शेप बना दी है। सबसे पहले हम उस शेप को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमने शेप सेलेक्ट करनी है एंड इस तरीके से ड्रॉ कर देनी है। अब इसमें हमें क्या करना है, कलर फिल करना है। तो हम यहाँ से कलर फिल कर लेंगे, यहाँ से हमने कलर फिल कर लिया इसमें कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने कलर फिल कर लिया है इसमें, अब मैं क्या करूँगी, रिबन टाइप में बनाना है हमें। तो हमें ऑब्जेक्ट में जाना है और ये वाला एरो लेना है। सबसे पहले इधर से हमें बनाना है। अब मैं इसको रोटेट करूँगी थोड़ा सा कुछ इस तरीके से। अब मैं इसी की कॉपी करके, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी से हमने पेस्ट कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इसी की कॉपी आ गई है। हमें इधर लाना है इसको और कुछ इस तरीके से लगाना है। सेम इसको भी इधर लाना है, थोड़ा सा इसको इधर टिल्ट करते हैं और इसको इस पे लाके ऐसे जॉइंट कर देना है कुछ इस तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इनमें कलर फिल करते हैं हम दोनों में।
यहाँ पे हमने कलर फिल किया, ये हो गया है। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे, इस पे भी सेम कलर पे फिल किया। उसके बाद यहाँ टेक्स्ट रैपिंग वाले ऑप्शन में हमने पढ़ा था बिहाइंड टेक्स्ट, तो बिहाइंड टेक्स्ट पे हम जाएंगे और कुछ इस तरीके से क्लिक करेंगे। जो आप देख सकते हैं ये पीछे चला गया है इसके, सेम ऐसी ही यहाँ पे जाएंगे। इस पे क्या करना है हमें, बिहाइंड टेक्स्ट, तो कुछ इस तरीके से जो हमारा ये था वो पीछे चला गया है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं ये वाली शेप। अब हम क्या करेंगे, एक सर्कल वाली शेप लेते हैं, ये रहा। तो हम कुछ इस तरीके से इसको छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं और इसके अंदर जाके हम ऐसे लगा देते हैं। इसमें जाके हम इसका थोड़ा सा साइज बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको क्या करना है, एरो से, हम एरो की हेल्प से भी इसको सेंटर में कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें जाके कलर पिक कर देंगे। अगर हमें कलर अच्छा नहीं लगता है तो हम कलर चेंज करेंगे यहाँ पे जाके। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने कलर कर लिया है इसको, एंड ये जो हमारा कार्ड है आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम अपने कार्ड को भी इसमें एडिट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कार्ड में कलर हो जाए तो कलर हमें कैसे करना है, कलर के लिए भी हमने एक ऑप्शन पढ़ा है। पेज लेआउट में जाएंगे, पेज कलर पे जाना है, येलो कलर करना है आप येलो कलर कर सकते हैं, आपको जो कलर करना है आप कुछ इस तरीके से अपना कार्ड बना के एडिट कर सकते हैं। अगर आपको कलर नहीं करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से टैग कर सकते हैं। तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं हमने जो ये कार्ड बनाया है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं आप उसी की हेल्प से बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है मैंने अभी ये बनाया है। आप एक पिक्चर के साथ एडिटिंग कर सकते हैं, आपको रिफ्लेक्शन देनी है पिक्चर में तो आप कुछ इस तरीके से, अगर आपको पिक्चर में रिफ्लेक्शन देना है तो आप यहाँ पे जाके पिक्चर में रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, ग्लो दे सकते हैं, मतलब जो चाहे आप सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने कार्ड बना चुकी हूँ मैं, और आप भी ऐसे बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं वर्डपैड की हेल्प से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें बनाएंगे इस इंसर्ट टैब की हेल्प से, एंड अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके देखेंगे कि किस चीज़ से क्या चीज़ें बनती हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।